हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनआईएस क्लास 12th वाले बच्चों के उनके बायोलॉजी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का। आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्किंग भी दिख रही होगी जो कि 80 है। चूंकि जो बायोलॉजी है वो हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसी वजह से 20 मार्क्स का ऐसे प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का थ्योरी होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर वो पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए है। तो चाहे आपने अप्रैल में सेशन में एडमिशन लिया हो, अक्टूबर सेशन में एडमिशन लिया हो, किसी भी ईयर में लिया हो, तो ये अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपका इसी पैटर्न पे फिर जो आने वाले एग्जामिनेशन है वो होंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है, साथ ही साथ इसमें जो 80 मार्क्स में भी 20% का जो होता है मार्क्स वो होता है टीएम में। ठीक है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पे जो कि आपको बना करके अपलोड करना होता है, और अपलोड करने से आपको इसका थ्योरी का 80 में से 20% मार्क्स उधर से मिल जाता है। तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट को पास करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे कैसे इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट 2023 में था कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, सिलेबस डिफरेंट था। बट 23 के अक्टूबर में ही एनआईएस ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है, क्योंकि उसने अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। उस सिलेबस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। आप 10th में और 12th में वहाँ से जाकर के अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सिलेबस चेक कर सकते हो। सिलेबस में बार बार यहाँ पर प्रेशर देती हूँ बच्चों को चेक करने के लिए, क्योंकि सिलेबस कई बच्चे होता है कि वो गलत सिलेबस से पढ़ रहे होते हैं, तो इससे आपका काम बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर आप सही सिलेबस को जाओगे तो आपका वहीं पे 50% जो एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम को समझना और करना होता है, वहां पे खत्म हो जाता है, और 50% बस आपको एफर्ट करना था आगे के पूरे प्रोसीजर को समझने में। तो सिलेबस जरूर जाना, कि नए सिलेबस में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कुछ रिड्यूस हुए हैं, कुछ सेक्शन को भी हमें पढ़ना है, कुछ सेक्शन को नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं आज के इस पेपर को। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे पेपर अपने चैनल बना रखी है, जिसका लिंक तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंगली अपने पेपर्स को पैटर्न को समझ करके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एमएम की बात कर ली थी, मैक्सिमम मार्किंग की बात कर ली थी, और यहाँ अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 3 घंटे हमको मिलने वाले हैं। नीचे कुछ नोट्स हैं, नोट्स को जरूर देखना होता है, जरूर समझना होता है, कि इसी के बेस पे पूरा का पूरा नीचे पेपर आगे होता है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 घंटा मेरे पास जरूर है, पर मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि इस 3 घंटे में से आप 10 मिनट पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने पेपर को दे दिया करो, 10 मिनट एक बार ताक झाक कर लिया करो अपने पेपर में, कि कौन से सेक्शन आपको अच्छे तरीके से आते हैं, किनको आपको पहले अटैम्प्ट करना है, अगर जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनको बात कर रखना है, कितना टाइम किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर देना है, किसको आपको इसे, अगर यहाँ पर बहुत सारे आपको नीचे देखेंगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, तो कई बार बच्चे होता है कन्फ्यूज आते हैं, गलत ऑप्शन को कराते हैं और सही ऑप्शन आते हुए भी उसको छोड़ कर आते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको पहले 10 मिनट में जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है उस दौरान कर लेना है, एंड देन आगे के पेपर को स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ पर हमें कुछ चीजें बताई गई हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पढ़ के समझा दे रही हूँ। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 43 क्वेश्चन इन टोटल। ठीक है, तो हमें 43 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीचे, ओवरऑल सारे ही कंपलसरी हैं। सेक्शन ए आपको नीचे दिखेगा, सेक्शन बी दिखेगा। सेक्शन ए जो होगा वहां पर आपको 1 से 16 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आने वाले हैं। ओके, दिस इज वेरी ग्रेट। तो यहाँ पर हमें नीचे 1 से 16 नंबर तक MCQs देखने को मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, अब 16 नंबर के MCQs आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर किसी की MCQs ही से पूरे सही हो जाते हैं तो सोचो कितना अच्छा हो जाएगा, उसको कितने अच्छे से मार्क्स मिल जाने वाले हैं यहाँ पे। ओके, एंड देन क्या है सेक्शन ए में, 17 से 28 तक हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो सारे ही अटेम्प्ट करना है। ओके, सेक्शन बी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 29 to 37, जिसमें हमें अगेन से वही शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के लिए। एक बात है यहाँ पे, वर्ड लिमिट आप देखो 30 से 50 वर्ड। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर का रेंज होना चाहिए वो 30 से 50 शब्दों के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन 31 to 41 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दे रहेंगे, उसमें आपको 3 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन के आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स के लिए देने हैं। एंड देन फाइनली आपका जो लास्ट कुछ क्वेश्चन है 42 and 43, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर के लिए होगा, और इसकी जो वर्ड लिमिट है 80 to 120। ठीक है, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखा करो, जब भी वर्ड लिमिट जैसे क्वेश्चन दिए रहें तो कोशिश क्या करो कि उस वर्ड लिमिट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिखकर आया करो, कम मत लिखकर आया करो। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना था ऊपर कि हमें नीचे MCQs देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया हमारा MCQs। ठीक है, तो ये हमारा है पहला MCQ जिसके लिए 1 नंबर है,
ये है दूसरा एमसीक्यूज। ओके, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन के बीच में भी दो आंसर है। ओके, तो मतलब अगर आपको ये आ रहा है दूसरे क्वेश्चन में तो आप इसको कर सकते हो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ये आ रहा है तो इसको कर सकते हो। तो नंबर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया एनआईएस ने, क्योंकि आप देख रहे हो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में भी दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप अपने एंड पे थोड़ा भी एफर्ट करते हो, ठीक है, तो नंबर यहाँ पर भर भर के मिलने वाले हैं। तो बस आपको यहाँ पर एफर्ट करने की देरी है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने की देरी है, ठीक है। तो पैटर्न समझो, यहाँ पर सिलेबस समझो, टीएमए के मार्क्स अच्छे से अच्छे लेकर आओ, एंड देन प्रैक्टिकल में अच्छा करो, ठीक है। तो पेपर वैसे ही अच्छा जाएगा, मार्क्स वैसे ही अच्छे मिलेंगे। तो जब पेपर इतना ज़्यादा ईजी हो रहा है तो कोशिश करो अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 16 तक हमें एमसीक्यूज देखने को मिला ऊपर पूरा। अगर डेस्टोरेंट से आप चाहते हो कि मैं इन जो भी मैं पेपर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके आंसर पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ करके उसको वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन 17 से 28 यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो 17 देखो अगेन यहाँ पे क्या है, ओके, ट्रू फॉल्स है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कोई 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो उन 2 स्टेटमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको 2 मिलेंगे नंबर। फिलिंग द ब्लैंक्स आर 18वें क्वेश्चन पे, जिसमें से आपको 4 करने हैं, आई मीन 4 दिए हुए जिसमें से कोई 2 करने हैं, 2 के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड देन 19 क्वेश्चन तो और ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी से आपको मैच करना है, ठीक है, और नंबर मिलेगा आपको उसके लिए। क्वेश्चन 20 की बात की जाए तो यहाँ पर है, इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो राइट डाउन द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ नर्वस सिस्टम इन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, एक आपको फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें आपको जो मिसिंग नर्वस सिस्टम की जो मिसिंग कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे फिल डाउन करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, ऑप्शन नहीं है, यही अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, बट सो इजी, बहुत इजी, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी अटेम्प्ट करना है इसको। अगेन से क्वेश्चन 21 में हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगा मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 से मैच डाउन करना है, ठीक है। ओके, हम बढ़ चुके हैं अपने 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट ए टू डी। ओके, अगेन से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आ गया जिसके किसी 2 पार्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सो इजी। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आपके एनआईएस का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है और ज़्यादा स्ट्रांग हो और ज़्यादा मजबूत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ करके हमसे परचेस कर सकते हैं इसके नोट्स वगैरह वगैरह, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जो भी बच्चे हमारे नोट्स से स्टडी करते हैं, चाहे वो बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों को हम जब नोट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर अदर भी हमसे जो बच्चे नोट्स परचेस करते हैं वो बताते हैं, उन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो नोट्स से आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप में से भी किसी को उस नोट से परचेस करना है उस नोट को, या फिर उस नोट से पढ़ाई करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ करके बड़े कन्वीनियंट तरीके से उसको परचेस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको जस्ट वहाँ जाके मैसेज करना है। 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन बिलो, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो इसके लिए दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है यहाँ पे, लेबल द गिवन बिलो स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म इन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेबल करना है, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन था। 25, रीड द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। ए टू डी है यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स, लेकिन आपको उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना है। तो जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ पे सुटेबल लग रहा है तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देना है, ठीक है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो अभी तक जितना ही फॉर्मेट हम लोगों ने समझा, यहाँ पर देखने को ज़्यादातर मिल रहा है क्या, हमने बहुत सारे यहाँ पे 1 to 16 एमसीक्यूज देखे, जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, मैच द फॉलोम के फॉर्म में है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, ठीक है, फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर देखे। 26 यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह है, 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन भी है, तो जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो वो कर सकते हो। तो ये देखो कितना इजी 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 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर एक फूड ग्रुप दिया हुआ है और नेम ऑफ द न्यूट्रिशन, ऊपर यहाँ पे आपको चीज़ें दी गई हैं जिसमें से आपको कोई 2 करने हैं, तो आपको बताना है सीरियल, शुगर, मिल्क कि किस फूड ग्रुप का है, तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो पैटर्न तो ईजी है ही डियर स्टूडेंट, जो इसमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना वो भी बेहद ईजी आ रहे हैं,
ठीक है, अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करके लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इस बारी अच्छे मार्क्स जरूर आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। बट ये है कि प्रिपरेशन करना, ठीक है। ओके, 27 की बात की जाए तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों ही करना है आपको 27। एंड देन 28 की बात की जाए तो यहाँ पर एक फिगर है, एंड देन फिगर से आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, तो जिसमें से आपको कोई दो अटेम्प्ट करने थे, ठीक है, समझ गए। ओके, पार्ट सी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 29 से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब राइट द फिलम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आ गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे जो भी ऊपर मैंने वर्ड लिमिट बताई थी वो आपको करना है, ठीक है। और कोई ऑप्शन ज़्यादातर नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से करना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जिसमें ऑप्शन मिल रहा है भले उसमें आप जो बेटर तरीके से आता है उसको कर सकते हो, ठीक है। 35, 36, 37 में ऑप्शन है, 38 में कोई ऑप्शन नहीं है, 39 में ऑप्शन है, एंड देन 40 में भी ऑप्शन है, ठीक है। 41 थ्री मार्क्स के लिए है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है। 42 में भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो। 42 क्वेश्चन जो हमारा था, 42 एंड 43 5-5 मार्क्स के लिए था, वो ऊपर मैंने आपको बताया था, दोनों में ऑप्शन है, जो भी आपको बेटर तरीके से आता हो करो, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो इसी 43 क्वेश्चन के साथ ही ये पेपर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो मैंने यहाँ पे पूरा ब्रीफ कर दिया आपको कि इस बार आपके पेपर में 43 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें हमें MCQs देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, लेवल करने को दिया है, मैच द कॉलम है, फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसे करके, और एंड देन ऑब्जेक्टिव तो है ही आपके, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के टर्म में तो क्वेश्चन है। तो ये सारा जो आपका पैटर्न था वो क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। और अगर एग्जाम में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे पर्सनल नंबर जुड़ करके हमसे वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।